Hello everyone, welcome to the channel Nitesh Education 27. Friends, मेरे चैनल पर UGC NET Paper First and Paper 2 Education and Psychology की तैयारी करवाता हूँ. साथ ही साथ All India PhD Admissions and All Type of Teaching Vacancies like Professor, Associate Professor, Assistant Professor, साथ ही साथ UGC NET से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ. तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए. स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे UGC NET का आपका जो शिफ्ट वन का पेपर हुआ था 30 नवंबर 2021 का, उसके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि इस यहाँ पर उसी क्वेश्चन को डिस्कस किए जाते हैं जो कि बच्चों को याद होते हैं. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चों को कुछ क्वेश्चन नहीं याद होते हैं, लेकिन उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है. तो उससे मिलता जुलता जो है रिलेटेड टॉपिक जो अक्सर पूछा जा रहा है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहला एक नया क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था. साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है पेपर फर्स्ट में आज. रिफ्लेक्स एक्शंस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ प्याजे थ्योरी. तो ये जो प्याजे थ्योरी है, प्याजे थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. जिया प्याजे क्या थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि साइकोलॉजी क्षेत्र में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया है. और इनकी थ्योरी को कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जिया प्याजे. इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि बच्चे का मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है. और अपनी थ्योरी को इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है. इन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल की होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल की होती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 साल से ज़्यादा की होती है. तो इसमें इन्होंने ये पूछा क्वेश्चन, अब आपका ये पूछा गया था कि रिफ्लेक्स एक्शन की जो एक्टिविटी है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, जैसे आँखों का ब्लिंकिंग करना, बच्चे का रोना, चिल्लाना, या भूख लगना, या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस में आते हैं. तो मतलब इन्वॉल्ट्री एक्शंस जितने भी हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. तो वो इन्होंने पूछा था कि प्याजे की किस स्टेज में पाया जाता है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ बच्चा करते हुए पाया जाता है. और सेंसरी मोटर स्टेज को भी इन्होंने 6 सब स्टेजेस में बांटा है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं है क्योंकि ये थ्योरी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं. बाकी नेक्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेजेस से रिलेटेड, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि बार बार UGC NET में इस बार पूछा जा रहा है. कभी इससे इसके चेयरपर्सन पूछ लिया जा रहा है, कभी इसकी रिकमेंडेशन पूछ ली जा रही है. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद था, लेकिन ये बच्चों ने बताया कि नेशनल नॉलेज कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो इसके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन, सबसे पहले इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, सैम पित्रोदा जी थे. सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे. सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इट वॉज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 को ये लाया गया था. किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा. अब अगर इस समय की हम बात करें तो जुलाई 2014 से इसे डिफंक्ट कर दिया गया है, मतलब निष्क्रिय कर दिया गया है. किसने किया था? जो भी गवर्नमेंट 2014 में आई थी उसने इसको डिसकॉन्टिन्यू कर दिया है इस कमीशन को. रिकमेंडेशन क्या थी इस कमीशन की? एक तो क्रॉस लैंग्वेज की बात इन्होंने की थी, यानी कि जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला चल रहा है, त्रिभाषा सूत्र इंडियन लैंग्वेजेस की, मतलब कि साउथ वाले नॉर्थ की लैंग्वेज सीखे, नॉर्थ वाले साउथ की, क्रॉस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन नेम्स, इसके बारे में बात की थी. साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं. वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात इन्होंने इसलिए की थी ताकि जन जन तक जो है नॉलेज पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके, सभी लोग लिटरेट हो सकें. डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज बोथ इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज. डिजिटल लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट की बात इन्होंने की थी दोनों लैंग्वेज में, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश में, दोनों में. और 2007 में इस नॉलेज को फिर से अपनी रिकमेंडेशन दी थी. रिवाइज हुआ था. क्या रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने? कहा था ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज क्रिएट की जाएँ, यानी 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएँ. न्यू रेगुलेटरी बॉडी जैसे UGC, AICT, MCI, बार काउंसिल के बारे में इन्होंने कहा था. और इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि GDP का 1.5% हायर एजुकेशन के लिए और टोटल का 6% जो है इंडियन एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर में खर्च करने की बात की थी. और 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20% एंड 40% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ.
यानी कि जो किसी चीज़ पे 10% 20% और 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो टोटल ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस क्या है कि किसी कमोडिटी का 100 रुपये है, तो फाइनल प्राइस इसका क्या होगा, 90% ऑफ 80% ऑफ 60%। यानी कि एक बार 10% दिया गया तो 100 पे 10% का मतलब 90 रुपीज़, यानी 90%, और 90% का फिर 80%, यानी कि 90% ऑफ 20% डिस्काउंट मिला तो 100 में से 20 गया 80%, और 40% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 40 गया 60% किसका, ऑफ 100 का। यानी कि ये सक्सेसिव एक तरीके से कह लीजिए डिस्काउंट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आएगा 43.20, और 43.20 ये डिस्काउंट है कितने में से है, 100 में से। तो 100 में से 43.20 को हम घटा देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 56.8%, जो सिंगल डिस्काउंट आएगा 56.8% आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बच्चों ने ये बताया है कि आईसीटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे कि आईसीटी के क्वेश्चंस वही जो एक्रोनॉमिक्स एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस पूछे जा रहे हैं, जैसे FTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, TCP/IP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर एब्रीविएशन से रिलेटेड PDF भी डाल रखी है और काफ़ी इमेजेस भी शेयर की हैं, वहाँ पर सारा मटेरियल पड़ा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों ने यह बताया कि रिसर्च से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। अब क्या क्वेश्चन थे एग्जैक्ट तो नहीं आते इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए हाइपोथेसिस से पूछा गया हो सकता है, आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछ लिया गया हो। लॉजिकल रीजनिंग भी उन्होंने बताई ईजी आई थी। मैथ के क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट टाइप के थे, ठीक है, और DI वॉज वेरी ईजी, यानी कि DI बहुत ईजी आया था, कह रहे थे 2 क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहा था। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, जैसे इस समय ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है UGC नेट जो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था मैथ से, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 200, यानी 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल खुद से यानी सेल्फ से और 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर मैं लेता हूँ 2, तो 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होगा, 2 को केवल 2 से डिवाइड होगा यानी सेल्फ से, और केवल 1 से। 1 क्या है, 1 आपको पता है यूनिवर्सल नंबर होता है जो कि सबसे डिविजिबल होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। अब इन्होंने ये पूछा था 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पर मैंने देखिए टाइप कर रखा है कौन कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर, 101 103 ये सारे हैं, तो इसको ऐड जोड़ लेते हैं तो कितने हो गए ये 6 6 12 6 18 3 21, तो टोटल नंबर जो हो गए आपके 21 होते हैं। 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, प्राइम नंबर्स देखिए फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब इसमें जब n इक्वल टू आप 0 1 2 रखेंगे तो जितने भी नंबर आएंगे सब प्राइम आएंगे, जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो पहला प्राइम नंबर 1 आएगा, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो फिर उसके बाद आपका आएगा 1, यहाँ पर जब आप रखते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 3 आएगा, फिर इस तरीके से 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो इस तरीके से क्या है कि प्राइम नंबर्स आपके आते जाएंगे। तो ये है आपका प्राइम, एक 21 प्राइम नंबर जो कि 100 से 200 के बीच में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक तरीके का मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में घुस के जो है सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, डेटा को चुरा लेता है और आपके फ़ोन को नुकसान करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में इसको दे रखा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबको ये आसानी से समझ में आए। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है लेकिन अंदर से यह कुछ और होता है, इसलिए यह आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेकिन क्या है, देखिए ट्रोजन हॉर्स अपनी कोई कॉपी नहीं बनाता, लेकिन एक बार जब यह किसी सिस्टम में घुस जाता है तो दूसरे मालवेयर्स के लिए दरवाजे खोल देता है, यानी कि यह अपनी कोई कॉपी नहीं बनाता आपके सिस्टम में, केवल दूसरे मालवेयर्स के लिए ओपनिंग डोर का काम करता है और इस तरीके से वो पूरे सिस्टम को जो है बर्बाद कर देता है। ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहा जाता है, यह हैकर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हथियार है। दूर बैठा इंसान भी रिमोटली आपके कंप्यूटर को, मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है।
अब हम एग्जांपल की बात करें ट्रोजन हॉर्स की, तो यहाँ पूछा जा सकता है स्विस मिनी पेंजर, मेगा पेंजर एंड द जर्मन स्टेट ट्रोजन निक नेम्ड R2D2, ये जो ट्रोजन वायरस के एग्जांपल हैं। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जरूर पढ़ के जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था MDG से, उसमें गोल को मैचिंग करनी थी कि कौन सा गोल किससे रिलेटेड है, यानी जैसे मान लीजिए गोल नंबर 1 किससे क्या है तो डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, गोल नंबर 2 क्या है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गोल नंबर 3 क्या है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो इस तरीके से मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा गया था MDG से, और MDG कब एंड हुआ था 2015 में एंड हुआ था, और इसी के सक्सेस के रूप में जो है SDG आया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ICT से, फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल देखिए क्या है, फायरवॉल एक तरीके की सिक्योरिटी है, एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जो आपके फ़ोन की सुरक्षा करता है किससे, मालवेयर से। तो फायरवॉल को देखिए कैसे समझ सकते हैं, फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि अनऑथोराइज्ड यूज़र तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। यानी फायरवॉल क्या करता है, आपके मोबाइल कंप्यूटर में वायरसेस को आने से बचाता है, मालवेयर को आने से बचाता है, हैकिंग से बचाता है, हैकर्स से बचाता है, और आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फ़िल्टर की तरह कार्य करता है जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन को रोक देता है। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के मध्य स्थापित किया जाता है, और जितना भी इन दोनों के मध्य डेटा का कम्युनिकेशन होता है वह फायरवॉल से होकर गुजरता है। यानी फायरवॉल एक तरीके का मीडिएटर है, जैसे आपका डेटा कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर प्यूरीफाई, यहाँ पर फिल्टर होकर, यहाँ पर सेफ होकर नेक्स्ट लेवल पर पहुँचता है। यह एक दीवार की तरह कार्य करता है जो कि आग रूपी अनसेफ और हार्मफुल डेटा से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है, फायरवॉल उसी ट्रैफिक को अपने से गुजरने देता है जो उसकी पॉलिसी के अनुसार सही हो। यानी कि फायरवॉल एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है, अगर उस क्राइटेरिया के अंडर में कोई भी डेटा है तो वो उसको जाने देता है, अन्यथा उसको वापस भेज देता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था मैचिंग से रिलेटेड, ई पाठशाला ई ज्ञान कोष से रिलेटेड पूछा गया था कि ई पाठशाला ई ज्ञान कोष को कौन गवर्न करता है। तो ई ज्ञान कोष किसके द्वारा चलाया जाता है, इग्नू के द्वारा चलाया जाता है ई ज्ञान कोष, और नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है ये। साथ ही साथ ई पाठशाला पूछा गया था, तो ई पाठशाला जो है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इन दोनों की मदद से इसको रेगुलेट किया जाता है ई पाठशाला को। इसी तरीके से स्वयं पोर्टल जो है UGC के थ्रू है, CEC UGC के थ्रू है, स्वयं प्रभा जो है 32 चैनलों का ग्रुप है, और आज की डेट में 34 चैनल इसमें टोटल हो गए हैं, और सक्षत क्या है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल जो कि MHRD के द्वारा कंडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है कि पूछे गए थे मैचिंग के लिए ई पाठशाला ई ज्ञान कोष से रिलेटेड। इसका भी इससे भी रिलेटेड मैंने अपनी प्लेलिस्ट में हायर एजुकेशन इनिशिएटिव के नाम से अपने उसमें डाल रखा है, तो आप कंटेंट को वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जब आप UGC अपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो यहाँ सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे UGC नेट का प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, UGC नेट के पेपर एनालिसिस इस बार के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पड़े हुए हैं, न्यू जॉब्स वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, UGC नेट पेपर फर्स्ट के पूरे कंटेंट पड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए PGT एजुकेशन नेट, साइकोलॉजी नेट, एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर्स और प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। तो एक बार जरूर इस चैनल पर विजिट करिए, और आशा करता हूँ शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा शिफ्ट 2 के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।